नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निफ्टी इंडिया में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पहले हम एक ऑप्शन मिथ को लेकर बात करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। बट पहले मैं ऑप्शन मिथ पर लेकर इसलिए बात करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्चुअली एक हमारे फॉलोअर्स का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मुझसे कहा कि सर इसे थोड़ा सा देखें और बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो जब उन्होंने एक्चुअली कोई एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर और उससे वो काफी इन्फ्लुएंस हुए, उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्यों ना इसे एप्लीकेबल किया जाए। तो आप लोगों को मैं हमेशा अक्सर ये बताता रहता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारे ऑप्शंस में मिथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि भाई आप पहले अपने बुद्धि विवेक से अपने माइंड को ओपन करके इसे ओपनली देखें, समझें, बैक टेस्ट करें, फिर उस चीज पे एप्लीकेबल करें। डायरेक्टली एप्लीकेबल तो बिल्कुल ना करें। फिर भी मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि अगर आप लोगों को इस टाइप के डाउट्स आते हो और फिर भी क्लियर ना हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो और आपको डाउट आता है, तो आप वो वीडियो मुझे शेयर कर दें जिससे कि मैं उसे देख लूं और मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों की कैपिटल्स को बचा पाऊं, आप लोगों को सही डिसीजंस दे पाऊं, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की काफी हेल्प कर सकता हूँ इस टॉपिक को लेकर। बिकॉज जो एक्चुअली इतने सारे जो लोग हैं वो जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप लोगों को अचानक मुझे लगता है कि समझ में नहीं आता होगा। इवन मैं भी जब मैंने भी वो वीडियो देखा तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर जब मैंने उस चीज को ढंग से समझा तो मुझे समझ में आया कि ये इस तरीके से है। तो मैं वो आप लोगों को मिथ के बारे में दिखाता हूँ। तो उन्होंने करा क्या दोस्तों, वीकली उन्होंने एक जो है कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे थे। वीडियो उनके जो ऑनर थे, उन्होंने सपोज कोई भी एक फ्राइडे लिया, हम कोई भी फ्राइडे ले लेते हैं, ठीक है। उन्होंने फ्राइडे लिया और ट्रेड डिप्लॉय कर दी एंड ऑफ द फ्राइडे कह रहे हैं, तो हम एंड ऑफ द डे चल देते हैं। एंड ऑफ द डे उन्होंने ट्रेड डिप्लॉय कर रहे हैं तो 8 जून की एक्सपायरी रहेगी, बैंक निफ्टी था। अब वो कर क्या रहे थे, उन्होंने यहां पर जो एटीएम प्राइस है 43873 मीन्स 43900 है, यहां से उन्होंने कहा है कि 700-800 पॉइंट ऊपर का एक पुट सेल करना है। जी हाँ दोस्तों, एक पुट सेल करना है। तो हम अगर 943900 को एटीएम ले रहे हैं तो यहां से हम 800 पॉइंट दूर का एक पुट सेल कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, सेल नहीं करना है, बाई करना है, इसे बाई करना है। फिर यहां से 1000 या 800 पॉइंट आगे का पुट सेल करना है। आप समझते जाएं, यहाँ पे 700 था, अब यहां से 800 पॉइंट दूर हमारा 45500 आ रहा है, तो इसको सेल करना है। और फिर यहां से समथिंग 1000 या 1500 पॉइंट आगे का जो है एक अच्छा, यहां पर ये जो पुट सेल किया है साथ में इसके एक कॉल भी सेल करना है, और यहां से 1500 पॉइंट दूर या 1000 पॉइंट दूर का एक कॉल बाई कर लेना है। तो यहां से 45500 से हम 46500 का एक कॉल बाई कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो ये स्ट्रेटेजी दिखा रहे थे। इस स्ट्रेटेजी के अनुसार वो इस 18000 जो मैक्स प्रॉफिट है इसे शो कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे इधर जाएगा तो आपको कोई लॉस होगा ही नहीं। बात सही है, क्योंकि भाई इधर आपके इस वाले रेंज में से होके निकलेगा और जहां आपने स्ट्रेटेजी बनाई है वहां भी आपको कोई खास लॉस नहीं हो रहा। यहां पर देखो, आप मेरे कर्सर के द्वारा एक्सपायरी लिखा हुआ है, जो मेरा कर्सर है इस पे जो एक्सपायरी है 1085 समथिंग का लॉस शो हो रहा है, ठीक है। तो वो इतना मिनिमम शायद उनकी वीडियो में ये 500 या 700 रुपये का लॉस शो हो रहा था। तो एक्चुअली ये है क्या, अब आपको तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा पे ऑफ ग्राफ, बिल्कुल लग रहा है। अगर लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। तो जब मैंने इस स्ट्रेटेजी को देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी दिख रही है भाई। आप इधर लॉस 1000 का है, इस तरफ जाएगा तो प्रॉफिट रेंज से जाएगा,
और ये तो जब 6,000 का लॉस तो तब आएगा जब ये प्रॉफिट रेंज से निकलेगा, हम तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ पर। बट फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट किया गया। क्यों मैनिपुलेट किया गया? आप पहले तो ये समझ लें कि आपको इन द मनी में ढकेला गया, इन द मनी में पुट में ढकेला गया, जबकि ये स्ट्रेटेजी ठीक है। मैं आपको 1 मिनट सेकंड एक टैब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और उसमें सेम स्ट्रेटेजी जो हमने की है, स्ट्राइक प्राइस आप याद रख लेना, हमने कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में क्या किया है, 44,700, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 मिनट, 1 सेकंड, हमने 2 जून एक्स डिसाइड किया था, एंड ऑफ द डे समथिंग हमारी ट्रेड लेने का टाइम था, तो ये 3:24, तो 3:24 पे हम पहुंच जाते हैं, 3:24 पे पहुंच गए हम। अब हमें यहां पर करना क्या है, स्ट्राइक प्राइस आपके सामने है, 44,700 का पुट बाई करना है। लेकिन हमें वहां पर एक्चुअली उस ओरिजिनल स्ट्रेटेजी के द्वारा हमें क्या करना चाहिए था, 44,400 का, 1 मिनट, 8 है, 44,700 का हमने पुट बाई किया है। हमें यहां पर करना क्या चाहिए था, 44,700 का कॉल बाई करना था। नेक्स्ट हमारी स्ट्राइक प्राइस आएगी 45,500, उसका हमने एक पुट सेल किया था, हमें यहां पर कॉल सेल करना था, एक और कॉल सेल करना था क्योंकि हमने वहां पर नेक्स्ट भी एक और कॉल सेल किया था, और 46,500 का एक कॉल बाई करना था। अब आप पे ऑफ ग्राफ देख लो, आपको सेम पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है, ये है उस स्ट्रेटेजी के द्वारा पे ऑफ ग्राफ, और ये है जो स्ट्रेटेजी बननी चाहिए उसके द्वारा पे ऑफ ग्राफ। ऑलमोस्ट उतना ही मैक्स प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट उतना ही मैक्स लॉस है, और इधर आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट उतना ही लॉस है, जो कि उसमें आपको 1,000 समथिंग था, इसमें 707 दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाता है। ये स्ट्रेटेजी एक डेबिट स्प्रेड के तरीके से एप्लीकेबल की गई है। डेबिट स्प्रेड में और थोड़ा सा एक बटरफ्लाई कह लो आप, डेबिट बट कॉल बटरफ्लाई, तो उसके तरीके से स्ट्रेटेजी की गई है। अगर नाम पर हम ना जाएं, कुछ भी खास नहीं है, बस और बस आपको मैनिपुलेटिंग की गई। क्या यहाँ प्रॉफिट आएगा? बिल्कुल आएगा प्रॉफिट, बट आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 43,800 मतलब 900 जो है आपका 1,000 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। चलो बढ़ भी जाएगा, मैंने मान लिया, यहाँ आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे दोस्तों। लेकिन इस वाले केस में जो इन्होंने करवाया, यहां पर आपको इन द मनी में ढकेला गया। आप यहां पर मेरे स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान दें, ये जो इन द मनी वाले प्राइस है, इनमें बहुत बहुत टाइम ट्रेड नहीं होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल करके बताता हूँ कि सपोज आपका ये 40, हमारे एटीएम क्या चल रहा है, 43,900, हम इसे राउंड फिगर में 4,400 मान लेते, 44,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो 44,000 का पुट का प्राइस, आप लोगों को अगर ऑप्शंस आता है तो आप लोग जानते होंगे कि 44,000 के पुट का प्राइस जब 45,000 अगर प्राइस मतलब एटीएम पहुंच जाएगा, तो उसका पुट का प्राइस कितना रहेगा, 1,000 के आसपास रहना चाहिए, और उसमें जो थोड़ा सा इंट्रेंसिक वैल्यू होगी वो अलग रहेगा, टाइम वैल्यू, तो आपका 1,000 प्लस होना चाहिए। लेकिन उसमें जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, आप अपने जो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वहां पर 70, 70, 80, 80 पॉइंट्स की स्लीपेज रहेगी, और 70 पॉइंट 80 पॉइंट्स के डिफरेंस में आपको बायर और सेलर मिलेंगे। तो उससे क्या होता है, जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो आप सीधे 70, 80 पॉइंट का स्लीपेज खाते हो। आप 70, 80 पॉइंट मीन्स आप 2,000 पॉइंट, 2,000 रुपये पर लॉट एक लॉस डायरेक्ट करते हो अपना, ठीक है। तो ये सब चीजें करने से एक्सपीरियंस से आएगी, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, आपके सामने ये वीडियो पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ सही चीजें शेयर करना चाहता हूँ, वही बताना चाहता हूँ जो आप लोग कर सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपने डिस्क्लेमर में ही बता चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जो है सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशनल बेसिस
के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करता हूँ, जो मैंने सीखा है वही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उस टाइप की वीडियो जो भी आपको मैनिपुलेट कर रही हो आप उसके मुझे शेयर करें, और मैं उस वीडियो को अपने चैनल पर आप लोगों के लिए सही तरीके से बताऊं कि भाई इसमें क्या राज छुपाया गया, क्या गलत करा, और जिससे कि बहुत सारे हमारे यूजर्स का कैपिटल बच सकता है, वो लोग अपने इन भ्रांतियों में नहीं फंस के अपने कैपिटल को सेव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम किसी की भी कैपिटल्स को बचाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड बहुत हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि लोग जो है गलत सलत करके अपनी कैपिटल्स को डिस्ट्रॉय करें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की ओर। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेटेजी मेरे फॉलोवर्स की डिमांड पर है, ये स्ट्रेटेजी वीकली है, क्योंकि बहुत सारे फॉलोवर्स के कमेंट्स आ रहे थे सर वीकली स्ट्रेटेजी शेयर करें, क्यों इस समय लो विक्स की वजह से ऑप्शन सेलर बहुत ही ज्यादा जूझ रहे हैं, वो बहुत ही परेशान है, और इसी की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड थी कि वीकली को सर कोई स्ट्रेटेजी दे जिसमें लो विक्स में भी काम कर पाए। तो एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी रिस्क डिफाइंड है, इसमें आपको जो है मेरे रूल्स को फॉलो करना है, ध्यान देना है। तो एक्चुअली आपको ये पता है कि मोस्टली यूज्ड स्ट्रेटेजीज में सबसे ज्यादा आयरन फ्लाई होती है, और अगर हम आयरन फ्लाई बताएं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आयरन फ्लाई हम सपोज यहाँ पर पहले एक बार हम आयरन फ्लाई डिप्लॉय करके देखते हैं उस और उसमें और हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। तो भाई आयरन फ्लाई जैसा मैं बताता हूँ हमेशा आपको कि हम थर्सडे एंड में डालते हैं एंड ऑफ द डे, तो एंड ऑफ द डे चलते हैं। अब हम एंड ऑफ द डे हमारा प्राइस कितना है 43,900 पे एटीएम है, तो हम 43,900 का 15 जून का एक्सपायरी चूज कर रहे हैं, 43,900 का कॉल एंड पुट सेल कर लेते हैं, और जो हमें कलेक्टिव प्रीमियम मिलता है, कलेक्टिव प्रीमियम आप मेरे कर्सर पर देख सकते हो समथिंग अराउंड 600 मिल रहा है। तो नॉर्मली कोई भी आयरन फ्लाई डिप्लॉय करता है तो वो ये कलेक्टिव प्रीमियम के जो ऐड करने पर जो भी प्रीमियम बनता है उतना दूर के हेजेस बाई करते हैं, तो 600 पॉइंट दूर मीन्स 43,300 को बाई करते हैं, और 600 अपसाइड में तो 44,500 आएगा, तो ये आयरन फ्लाई हो जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, ये आप इस पे ब्रेक इवन पे ध्यान दें, ये ब्रेक इवन ऑलमोस्ट जो है 900 पॉइंट का है, ठीक है 900 भी नहीं 5,800 समथिंग का ये आपका ब्रेक इवन है। तो आज लो विक्स की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी इसी चीज की आ रही है लोगों को कि 800 पॉइंट का जब हमें केवल ब्रेक इवन मिलेगा तो 800 पॉइंट्स मींस 400 समथिंग इधर और 400 समथिंग इधर, आप लोगों को पता होगा कि भाई 400 आप इधर और जस्ट 400 आप इधर, इससे ज्यादा आपको रेंज नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी। अब अगर इतनी छोटी सी रेंज में आप वर्क कर रहे हैं तो नॉर्मली बार 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 आपके लॉसेस हो रहे होंगे, तो इसके ही सॉल्यूशंस मैं लेकर आया हूं। आपको करना क्या है, सेम 8 जून को सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं 3-4 एक्सपायरी आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में, पहले आप स्ट्रेटेजी को समझ लें। एंड ऑफ द डे ही डिप्लॉय करेंगे, वही 320 में टाइम लेके चल रहा हूँ, आप एंड ऑफ द डे में 320 और 325 हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 320 भी करना है, बट जाते जाते अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर देना है, और ऐसे टाइम पे डिप्लॉय करना है कि सेम डे में कोई खास मूवमेंट ना हो, तो ऑलमोस्ट 320-325 के आसपास आप अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान दें आपको करना क्या है, सबसे पहले 43,900 के कॉल एंड पुट सेल कर देने हैं, अब पुट साइड में हमें 300 पॉइंट्स दूर, मतलब 900 है तो आप नेक्स्ट 600 आएगा बाय करना है, फिर 300 पॉइंट दूर
मींस 300 आएगा, सेल करना है, और फिर 300 पॉइंट्स दूर मींस 43,000 आएगा, बाय करना है, ठीक है। सेम कॉल साइड में 43,900 से 300 पॉइंट्स दूर 44,200 बाय, 42,500 सेल, और 44,800 बाय। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बनकर तैयार हो चुकी है, ये हमारी रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी है। एक्चुअली लो विक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट यहां पर भी किए जा सकते हैं, बट हर एडजस्टमेंट आपकी हमेशा याद रखना कि आपके सोर्स में से जाता है, जो आपका मैक्स प्रॉफिट है इसमें से वो जाता है। तो हमने क्या करा, अपनी इस ट्रेड के अंदर, इस स्ट्रेटेजी के अंदर अपनी रेंज बढ़ा दी। अब आप रेंज को देखो, आपकी रेंज वहां पर सिर्फ 800 पॉइंट समथिंग की थी, और यहां पर आपकी रेंज समथिंग 1,300 पॉइंट्स की हो चुकी है। तो आपने 500 पॉइंट रेंज बढ़ा दी अपनी। ये रेंज बढ़ाने से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ, और आपके चांसेस बढ़े हैं कि आप प्रॉफिट करें। बिकॉज लो विक्स का मतलब क्या है, लो विक्स का मतलब ये है कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं वॉलिटाइल कम है, ठीक है। अब वो एक समथिंग वन डे आए कि आपको बहुत ज्यादा रेंज क्रॉस करे, ये करे, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर मैंने इसे आप लोगों के लिए, मैंने जिस हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को प्लान किया है, तो मैंने इसके जो चांसेस हैं वो बहुत ही अच्छे देखे हैं कि आपको मोस्टली फायदा ही हो रहा है। तो मैं आपको इसे डे बाय डे करके आगे बढ़ाऊंगा। जब भी मैं आपको 3-4 वीक की बैक टेस्टिंग दिखा सकता हूँ, कंटिन्यू दिखाऊंगा, बिकॉज अगर छोड़ छोड़ के दिखाऊंगा तो आपको ये लगेगा कि मैं भी अनदर चैनल की तरह आप लोगों को से कुछ भी छुपाना चाह रहा हूं, तो मैं कंटिन्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। तो डे बाय डे हम सीधे एक्सपायरी पे पहुंचेंगे, आप देखते जाना है यहाँ पर आपके PNL में प्रॉफिट एंड लॉस। तो 1,700 का प्रॉफिट हो रहा है, 1,900, बाकी हम तो सीधे एक्सपायरी वाले डे पे ही पहुंचते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि रिस्क डिफाइन स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर जो लॉस होगा वो भी आपको लेना ही पड़ेगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको लेना ही पड़ेगा। तो एक्सपायरी के टाइम पे आप देख सकते हैं 1,100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो हमने एक्सपायरी चूज की थी 15 जनवरी वाली, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, इससे पीछे वाली स्ट्रेटेजी एक्सपायरी पे। तो उसके लिए 8 की एक्सपायरी रहेगी, 1 को ट्रेड डिप्लॉय होगी एंड ऑफ द डे। 8 को सेलेक्ट कर लेते हैं, 320 का टाइम ले लेते हैं। एटीएम कहाँ दिख रहा है, 43,700 पे, तो ये सेल करने हैं दोनों। अब 300 पॉइंट दूर 400 को बाई, फिर 300 पॉइंट दूर 43,100 को सेल, और फिर 300 पॉइंट दूर 42,800 को बाय। ओके, अब कॉल साइड में 300 पॉइंट दूर 44,000 को बाय, 44,300 सेल, एंड 44,600 बाय। स्ट्रेटेजी रेडी है आपकी, मैं डे बाय डे बढ़ाकर इसे भी दिखा देता हूं आपको। सीधे एक्सपायरी पे चलेंगे, और ये थर्सडे आ गया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और आपको इसमें भी प्रॉफिट ही हो रहा है। चलते हैं इससे बैक, तो 8 जून के बाद अगर हम देखें तो एक 1 जून की एक्सपायरी रहेगी, ट्रेड डिप्लॉय हमारी होगी 25 को। 1 जून एक्सपायरी चूज कर लेते हैं, 320 टाइम सेलेक्टेड है ऑलरेडी। 1 मिनट, ये यहाँ से स्ट्रेटेजी को वो करना पड़ेगा, जो अभी हमारे ये पुरानी ट्रेड से इसे डिलीट करना पड़ेगा, मैं दोबारा से जाता हूँ। 25 मई, 1 जून की एक्सपायरी चूज कर ली हमने, एंड ऑफ द डे 320, ठीक है। तो एटीएम आपका 43,700 है, सेल 300 पॉइंट दूर बाय करना है, फिर 300 पॉइंट दूर
सेल करना है और फिर 300 पॉइंट दूर बाय करना है। इजी सी स्ट्रेटेजी है, कुछ खास परेशान नहीं होना है। रिस्क डिफाइंड है, आपको या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपके सामने रहेगा, बस ये हमने रेंज बढ़ाई है तो उसका हमें एडवांटेज मिल रहा है कि हम जल्दी लॉस में नहीं जा रहे। 44,300 और 44,600। अगर आपको एक बार मैं ऐसे पूरी ट्रेड्स दिखा देता हूँ, अगर समझने में इश्यू हो तो आप यहां से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी टोटल लेग्स है, हमारी ट्रेड ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अब मैं इसे वन बाय वन डे आगे बढ़ा रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये 1 जून एक्सपायरी आ चुकी है और आप प्रॉफिट देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, समथिंग आपको यहां पर 6,800 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं आपके सामने 3 एक्सपायरी 15, 8 और 1 तीनों की बैक टेस्टिंग कर चुका हूं। चलते हैं एक और वीक की कर लेते हैं, जिसके लिए 18 को ट्रेड डिप्लॉय होगी, 25 एक्सपायरी रहेगी। एक मिनट दोबारा सिमुलेटर पर चलते हैं। 18 को ट्रेड डिप्लॉय करेंगे, 25 मई की एक्सपायरी चूज करेंगे, एंड ऑफ द डे 320 के आसपास। तो 320 सेलेक्ट कर लिया है मैंने। अब आप एटीएम यहां पर देखो, कर्सर पे 43,800 पे एटीएम लिखा हुआ है, इजिली इसे सेल करेंगे। ठीक है, 300 पॉइंट दूर 800 था, तो 43,500 को बाय, 43,200 को सेल और 42,900 को बाय। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, बस ट्रेड डिप्लॉय करनी है, एक्सपायरी के दिन आपको एग्जिट करना है। तो 43,800 के बाद हमारा कॉल साइड में 44,100 बाय, 44,400 सेल और 44,700 बाय। तो आपकी ट्रेड यहां पर भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे वन डे के हिसाब से हम आगे बढ़ाते हैं और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपकी स्क्रीन पर रहेगा। यहां पर पीएनएल आप ध्यान दे सकते हैं, तो समथिंग 3300 का प्रॉफिट हो रहा है स्क्रीन पर और एक्सपायरी डे आ गया है, 5600 समथिंग का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक्सपायरी डे ऑलरेडी आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी, स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। और जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको कुछ भी स्ट्रेटेजी में बताकर मिथ शेयर करते हैं, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कोई भी स्ट्रेटेजी किसी अन्य यूट्यूबर के द्वारा भी बताई गई में कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग उस स्ट्रेटेजी को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं या मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं उस वीडियो को जाकर देखूं और मुझे समझ में आए कि हाँ ये वीडियो एक्चुअली आप लोगों के लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी, और मैं आप लोगों को उसमें सही तरीके से उसका ओपिनियन शेयर कर पाऊंगा। बिकॉज मेरा मानना यह है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अपनी कैपिटल को स्वाइप कर देते हैं ये गलत सलत वीडियो के द्वारा, उनका एक बार भी ध्यान नहीं जाता, उन्हें लगता है कि नहीं यार सब कुछ हरा दिख रहा है, मैं हम तो ग्रीन ग्रीन है, हम इसे बिल्कुल करेंगे और तुरंत करोड़पति बन जाएंगे। तो मार्केट इतना आसान नहीं है, आपको संभल के चलना है, खुद से सोच के चलना है, बैक टेस्ट करके चलना है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता आप वो वीडियो मुझे शेयर करें, अगर हम किसी एक की भी मदद कर पाएंगे, किसी एक के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, अगर किसी एक की भी कैपिटल को बचा पाएंगे, तो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है सफल हो जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बाकी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी लर्निंग वीडियो लाता रहूं। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।